वेलकम माय यूट्यूब चैनल पीके आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो मेरा स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपका वैद्यनाथ का ये प्रोडक्ट है लच्छादी गुगुलोती। इसके बारे में जानेंगे कि इस प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट होती है और इसमें कौन कौन सा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के द्वारा मिलाकर बनाई जाती है, इसके भी बारे में जानेंगे। तो जान लेते हैं कि इसमें किस तरह टैबलेट आती है। तो देख रहे हैं पैकिंग को खोले हैं दोस्तों, इसमें इस तरह सा टैबलेट आते हैं, इस तरह का टैबलेट बनाई गई है, काला कलर टैबलेट है। आपको इस तरह इसमें टैबलेट बनाई जाती है। इसमें एक पर्ची भी डाली गई है जो पर्ची को हम निकाल रहे हैं, इसमें इस पर्ची में डाली गई है। इस पर्ची में लच्छादी गुलो के बारे में सारी जानकारी दी गई है कि इसका क्या क्या फायदे होती है और कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस पर्ची में दी गई है। तो पूरे विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारे ये वीडियो आप लोग आज पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस, हम जानते हैं लच्छादी गुगुलो के फायदे के बारे में पूरी विस्तार से, तो आप लोग हमारा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लच्छादी गुगुलो एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग से हड्डियों से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यह कैल्शियम का एक स्रोत है जो कि आपका फ्रैक्चर, जोड़ों में दर्द, उपचार प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी किया जाता है। यह आपका जैसे आपका किसी प्रकार का दर्द वगैरह है, जैसे चोट लग गया हो, उसमें दर्द होता हो या मोच हो गया हो, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं तो लाभ आपको मिलता है। यह आपका उत्तम औषधि है। शरीर के किसी भाग का हड्डी में चोट लग गई हो या दर्द हो अथवा टूट गई हो तो उसमें यह बहुत फायदा करता है। और आपका इसका इस्तेमाल करने से आपका हृदय रोग हो गया, धातु छिन्नता हो गया, जैसे धातु छिन्नता हो गया, आपका धातु रोग हो गया, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो लाभ आपको मिलता है। और ये आपका लच्छादी गुलगुल का प्रयोग करने से अगर आपका गठिया की जो प्रॉब्लम आती है, गठिया में जोड़ों की सूजन, जोड़ों की जो सूजन आ जाती है, अगर आपका चोट या मोच या जोड़ों में सूजन है तो उसमें आप लच्छादी गुलगुल इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलता है। और आपका सामान्य कमजोरी, अगर आपका सामान्य जो शारीरिक कमजोरी है, थकावट है आपका, उसमें इसका इस्तेमाल करने से थकावट और शारीरिक कमजोरी को भी दूर करती है और आपका ऊर्जा को बनाए रखती है। और बात करें इसमें जो जड़ी बूटी मिलाई गई है, कौन कौन सा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को डाली गई है, इसके भी बारे में हम जान लेते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि लच्छादी गुलगुल में कौन कौन सा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को डाली गई है। तो पहला जो इसमें डाली गई है आपका अर्जुन का छाल डाला गया है, अर्जुन डाला गया आपका, लच्छ लाख डाला गया आपका, नागबैल डाला गया है, हर जोड़ डाला गया जो हड्डी को जोड़ने में एक काम करती है, उसका लत होती है, उसी को डाली गई है आपका। अश्वगंधा डाला गया, अश्वगंधा जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है और कमजोरी को दूर करती है और दर्द वगैरह में भी काम करती है। इसमें आपका शुद्ध बुबुलू डाला गया है। आदि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मिलाकर इस प्रोडक्ट को बनाई जाती है। चलिए हम जान लेते हैं कि लच्छादी गुलगुल को आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसकी क्या सेवन विधि और मात्रा होती है। 1 से 2 गोली दिन में 2 बार भोजन के बाद ही लेना चाहिए। मधु के साथ इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका सुसुम पानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने डॉक्टर और वेद के अनुसार ही इस प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उम्र के हिसाब से इसका डोज दिया जाती है, रोगों के अनुसार इसका प्रयोग करवाया जाता है। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर और वेद के ही सलाह के अनुसार प्रयोग करें लच्छादी गुलगुल का। लच्छादी गुलगुल का ज़्यादा प्रयोग करने से बच्चे इसका उपयोग डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें। इसकी जो MRP होती है आपका 185 रुपये इसकी MRP है। देख रहे हैं इसकी MRP आपका 185 रुपये है, जो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाती है। तो अब हमारा ये वीडियो लॉन्च होता है। अगर हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिरते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।